हम लोग एलिजिबल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लैब और मैं हूं विशाल रंजन। जैसा कि आपको मालूम होगा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 9वें चरण और 10वें चरण का मतदान कंप्लीट हो गए, रिजल्ट भी आ गए। अब 11वें चरण का बचा हुआ है, कुछ ही ज़िलों में है। अब अभी हम समस्तीपुर जिला के मोहद्दीन नगर प्रखंड के राजपुर पतसिया पूर्व पंचायत के पंचायत समिति उम्मीदवार राजेश सिंह उर्फ पिंकू सिंह जी के पास हैं। हम जानेंगे इनकी कि क्या चुनाव की तैयारी है, कैसे इनकी विजय सुनिश्चित होगी, कितना इन पे मतदाता भरोसा करते हैं, क्या जब इन पे जनता भरोसा जता के बना बीडीसी का मेंबर बना देते हैं तो क्या इनका विकास मॉडल रहेगा, इस पे चर्चा करेंगे। जी लैब में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद विशाल जी। सर, अब पंचायत चुनाव है, 12 तारीख के मतदान है, राजपुर पतसिया पूर्व से आप पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं, क्या तैयारी है आपका चुनाव को लेकर? देखिए, तैयारी एक दूसरा चीज हो गया और समाज सेवा दूसरा चीज हो गया। हम लोगों को समाज सेवा की भावना है और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने राजपुर पतसिया पूर्व के लोगों को। 2011 में हमारी मिसेज को जिला परिषद बनाया है लोगों ने। अभी 2016 के चुनाव में पंचायत समिति राजपुर पतसिया पश्चिम से निर्वाचित होकर अभी वर्तमान में मान लीजिए निर्वर्तमान प्रमुख है हमारी मैडम, और राजपुर पतसिया पूर्व से हम लोगों का जमीनी जुड़ाव है, लगाव है लोगों से। और यही सोच के कि हमारे बगल का पंचायत है, हम गए हैं कि कुछ मन में जो हम लोगों का रह गया, जो कर नहीं सके हम अपने लोगों के लिए, अपने जनता के लिए, मन में ये सोच के गए हैं कि एक मौका वहाँ के लोग हमको दें ताकि उनके मान लीजिए उनके लिए कुछ हम कर सकें, उनके विकास के लिए हैं, उनको सरकार से मान लीजिए जो भी चीज़ मुहैया होता है। जैसा कि हम घूमे हैं, हम देखे कि अभी तक हमारा जो पतसिया पूरा पंचायत है अभी तक उपेक्षित नज़र आ रहा है हर मामले में। अगर एक बार आप लोग भी अगर दौरा करेंगे तो नज़र आ जाएगा सामने। बता देखा जाता है कि सर उस पतसिया पूर्व पंचायत के ऊपरी सदन के सदस्य रहे हैं, विधानसभा का सदस्य रहे हैं, विधान परिषद का सदस्य रहे हैं, लेकिन विकास मॉडल देखा जाए तो वहाँ पे अभी भी बहुत बहुत कमियाँ हैं, बहुत चीज़ नहीं हो पाया है। अगर जनता आपको पर भरोसा जताती है, आपको बना देती है पंचायत समिति, तो जनता के भरोसा पर आप कितना खरा उतरिएगा? देखिए, हम दूसरे लोगों के कार्यशैली पर सवाल नहीं उठाना चाहते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ। इस बार अगर हमारे वहाँ से जनता लोग इस बार हमको मौका अंदाजा है कि मौका मिलेगा ही मिलेगा, और मौका मिलता है तो हम एक एक कदम उस पंचायत के विकास और गरीब गुरबों के मदद में एक एक दिन रात हम मेहनत करके और उन लोगों के लिए काम करूंगा और उनके विकरणी भूमिका निभा के उन लोगों को सरकारी सहायता जो मिलता है सरकार से वो दिलाने का प्रयास करेंगे। और अपने से भी जो होगा, जो कहता है लोग कि जो समाज सेवा, तो मन में समाज सेवा की भावना है, हम लोग समाज सेवा करने जा रहे हैं, न कि प्रोफेशनल राजनीति करने जा रहे हैं। आज उसका उदाहरण स्वरूप आप राजपुर पतसिया पूर्व देख सकते हैं कि 5 साल हम लोगों के कार्यकाल में राजपुर पतसिया पूर्व में और पश्चिम में क्या विकास हुआ नहीं हुआ, वो आप लोगों को और जनता भी देख रही है कि कौन लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं। ये हाथ में एक पर्चा लिए हुए हैं सर, इस पे लिखा हुआ है, सीधा कीजिए, पढ़ना पड़ेगा ना क्या क्या लिख लिए हैं इसमें। आप वादा करो
हमारा साथ देने का, हम वादा करते हैं पंचायत को विकास देने का। ग्राम पंचायत राज राजपुर पतसिया पूरब पंचायत समिति पद के सुयोग कर्मठ समाजसेवी लोकप्रिय शिक्षित उम्मीदवार राजेश कुमार सिंह के चुनाव सिंह गैस का सिलेंडर छाप मिल गया सर, सबके खाना बनावे ला दीजिएगा मतदाता सबके, सिलेंडर पहुँचाइएगा आप। सिलेंडर जिन लोगों को सरकार से मिल गया हो तो दे रही है सरकार, अभी मोदी सरकार दी है, और जो लोग बचे हुए हैं उन लोगों के घर तक चूल्हा और गैस हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। और आपको निश्चित रूप से हम जनता से वादा करते हैं कि एक बार हम पर भरोसा करें और हम उनको 5 साल में उनको बता देंगे कि हम आपसे कितना लगाव रखते हैं और आपका कितना हित चाहते हैं और कितना विकास करना चाहते हैं। 5 साल बाद फिर अगर आपको मौका मिलेगा तो फिर आप हमसे आके मिलिएगा और उस टाइम में आपको बताएंगे कि हमने क्या किया उस पंचायत में। तो आपने देखा कि बहुत ही विभागीय तरीके से राजपुर पतसिया पूरब पंचायत के पंचायत समिति उम्मीदवार राजेश सिंह उर्फ पिंकू सिंह के नाम से जाने जाते हैं, दियारा किंग के भी नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही विभागीय तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया। रबजी लाइव के साथ राजपुर पतसिया पूरब मोहिद्दीन नगर समस्तीपुर जिला।